तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अमिताभ शाह की तरफ से आने वाले 4K डुअल कैमरा ड्रोन की। अनबॉक्सिंग के साथ ही मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कितने में खरीदा। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अगर बात करें इसके बॉक्स की, तो ये बॉक्स में नहीं बल्कि कुछ इस तरह के बैग में आता है, पर बैग की क्वालिटी तो अच्छी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं। तो देखिए, मैंने इसे ओपन कर दिया है और यहाँ पर देखिए सब कुछ अच्छी तरह से पैक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें आपको इस ड्रोन के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको एक ऐप यूज़र गाइड भी मिलता है। इसमें दिया गया बारकोड आप स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ऐप को कैसे यूज़ करना है ये भी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आगे जानेंगे। तो चलिए इसे भी नीचे रख देते हैं और देखते हैं इस बैग में हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए चार आपको प्रोपेलर गार्ड्स के लिए क्लिप्स मिलती हैं। इससे आपके ड्रोन के प्रोपेलर डैमेज नहीं होंगे। तो इसे भी कैसे असेंबल करते हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए इसे नीचे रखते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं, जो कि अगर आपके ड्रोन के प्रोपेलर टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो आप इनसे उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से इन्हें चार प्रोपेलर तो देने चाहिए थे, पर ठीक है, चलिए इन्हें नीचे रख देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इसके खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है। आप इसके ज़रिए इसके प्रोपेलर भी खोल सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी नीचे रख देते हैं। और देखिए आपको इसके साथ एक चार्जिंग केबल दी जाती है जो कि इसके बैटरी चार्जिंग करने के लिए है। इसे आप किसी भी मोबाइल अडाप्टर से या फिर लैपटॉप या फिर अन्य किसी USB डिवाइस से इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी ये बैटरी दी गई है। देखिए कुछ इस तरह की बैटरी आपको इसमें मिलती है। देखिए जो मैंने ड्रोन ऑर्डर किया है उसमें मुझे तीन एक्स्ट्रा बैटरी मिली है। देखिए ये एक और ये एक और एक ड्रोन के अंदर है। इन्हें आप चार्ज कर सकते हैं, इनके बारे में भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इन्हें नीचे रख देते हैं। अब आते हैं हमारे ड्रोन के रिमोट की तरफ। तो देखिए कुछ इस तरह का ड्रोन का ये रिमोट दिया गया है। लुक वाइज और क्वालिटी वाइज तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसके बटन के फीचर्स आपको बताता हूँ। देखिए ये जो जॉयस्टिक है वो आपको अप और डाउन करने के लिए है और लेफ्ट और राइट रोटेट करने के लिए है और इस तरफ का फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट राइट मूव करने के लिए है। साथ ही आपको यहाँ पर बटन भी दिए गए हैं लेफ्ट राइट और अप डाउन करने के लिए। बीच वाला बटन इसका स्विच ऑन और ऑफ का है। और अगर हम इसके ऊपर देखें तो आपको चार और बटन मिलते हैं। ये वाला बटन स्पीड एडजस्ट करने के लिए है और ये वाला हैंडलेस मोड का है। और इस तरफ आपको जायरो और 360 फ्लिप का बटन मिलता है और ऊपर की तरफ आपको दो एंटीनास मिलते हैं। और इसके नीचे आपको एक मोबाइल होल्डर मिलता है जिसमें आप अपने मोबाइल को लगा सकते हैं। तो चलिए इस रिमोट को नीचे रखते हैं और आप बढ़ते हैं हमारे ड्रोन की तरफ। तो देखिए कुछ इस तरह का ड्रोन आपको इसमें मिलता है। लगभग ये मेरे हाथ के जितने साइज का है। लुक वाइज और डिज़ाइन वाइज तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसके प्रोपेलर को खोलते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसके प्रोपेलर को आपको खोलना है। ये फोल्ड किए हुए होते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इन्हें खोलना है। तो देखिए आप ये खोलने के बाद बड़ा दिख रहा है। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल DJI ड्रोन की तरह दिया गया है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको स्विच ऑन ऑफ का बटन मिलेगा। इसके पीछे देखिए आपको इसकी बैटरी मिलती है। देखिए यहाँ पर इसकी बैटरी लगती है और इसके ऊपर एक लाइट इंडिकेटर भी आपको मिलता है। प्रोपेलर की बात करें तो ये छोटे साइज के हैं पर बहुत पावरफुल हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। और यहाँ पर अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इसका कैमरा मिलता है। ये फ्रंट कैमरा आपको 7 MP का मिलता है और इससे आप 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक सेकंड कैमरा मिलता है। ये कैमरा 2 MP का है जिसे मदद से आप नीचे का व्यू ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। तो देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पर देखिए सामने की तरफ आपको दो LED लाइट्स मिलती है जिसे कि आप इसे नाइट के समय भी उड़ा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। सामने की तरफ आपको ये देखिए दो स्टैंड मिलते हैं कुछ इस तरह से, पर पीछे आपको ये नहीं मिलते।
तो चलिए आप प्रोपेलर गार्ड को इसमें अटैच कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसके नीचे आपको जो होल्स दिए गए हैं उसमें आपको ये प्रोपेलर गार्ड कुछ इस तरह से अटैच करनी है। देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जैसे, और बस आपको ऊपर की तरफ इसे पुश करना है और ये इसमें अटैच हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये आप इसमें अटैच हो चुके हैं। तो चलिए मैं दूसरा भी अटैच करता हूँ और अब मैं सारे के सारे अटैच करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे के सारे अटैच हो चुके हैं। अब इसका साइज और भी बढ़ गया है, यानी कि अब ये एक बड़े ड्रोन की तरह लग रहा है। तो आप सबसे पहले इसके रिमोट में हम सेल डाल लेते हैं। इसका रिमोट सेल से चलता है, इसमें आपको बैटरी नहीं मिलती। इसमें आपको 3 सेल डालने हैं, देखिए कुछ इस तरह से ये इसमें मैंने सेल डाल दिए हैं। चलिए इसे बंद कर देते हैं। और ड्रोन के पावर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे आपको इसकी बैटरी मिलती है। देखिए कुछ इस तरह से इसकी बैटरी आपको निकालनी है। बात करें इस बैटरी की तो ये 1800 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर देखिए आपको इसके चार्जिंग करने के लिए एक पोर्ट मिलता है, जो आपको चार्जिंग केबल दी गई है, इससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसे फिर से अटैच कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको इसमें अटैच करना है और ये इसमें अटैच हो चुके हैं। तो चलिए ड्रोन को अब ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्विच दबाने से ये ऑन हो जाता है, बस आपको ये प्रेस करके रखना होता है। देखिए ये ऑन हो चुका है। तो चलिए आप रिमोट को ऑन करते हैं। देखिए ये बीच वाला बटन आपको दबाना है, ये रिमोट ऑन हो जाएगा। और रिमोट को ड्रोन के साथ कनेक्ट करने के लिए बस आपको जॉयस्टिक को ऊपर नीचे करना है, ये अपने आप इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसे ऑन करने के लिए बस आपको जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करना है। ये देखिए ऑन हो चुका है, पर ये उड़ेगा नहीं जब तक आप इसे डबल प्रेस नहीं करेंगे या फिर इस एरो के बटन को प्रेस नहीं करेंगे। तो इसके बारे में तो सारी डिटेल जान लिया। अब जानते हैं इसके ऐप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल लीजिए और आपको बारकोड स्कैन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद सिंपली आपको जो यहाँ पर ऐप यूजर गाइड दिया गया है उसमें जो बारकोड दिया गया है उसे स्कैन करना है। और यहाँ पर एक आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड है तो आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर। और यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के बाद आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, तो देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है इस ऐप का, बस आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। पर ये ऐप अभी ड्रोन से कनेक्ट नहीं है, तो हमें सबसे पहले ड्रोन से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको आपका वाईफाई ऑन करना है। और देखिए यहाँ पर आपके ड्रोन के वाईफाई का मॉडल नेम आ चुका है, बस सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कनेक्ट हो चुका है और इसमें आप कैमरे का एक्सेस भी देख सकते हैं। देखिए आप ये लाइव फुटेज भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए आप इस मोबाइल को इसके रिमोट के साथ अटैच करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल को रिमोट के साथ अटैच कर दिया है। आप इस ड्रोन को मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, पर मोबाइल के कंट्रोल थोड़े डिले होते हैं, इसलिए इसे रिमोट से ही कंट्रोल करना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए इसके कैमरे से भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कैमरे की क्वालिटी कैसी है। देखिए इस कैमरे से आप डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और साथ ही यहाँ से आप फोटो भी खींच सकते हैं और यहाँ से आप इसका कैमरा स्विच भी कर सकते हैं। देखिए ये नीचे वाला कैमरा है। तो अब हमने इसकी सारी डिटेल्स तो देख ली हैं, अब हम इसे आउटडोर ले जाएंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे और इससे कुछ वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे, जिससे कि इसके क्वालिटी का हमें अंदाज़ा लगेगा। चलिए इसे टेस्ट करते हैं।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो हमने इसे टेस्ट कर लिया है और आपने भी इसकी टेस्टिंग देख ली है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का ड्रोन है तो इसकी रेंज भी आपको ज्यादा मिलती है, लगभग ये 70 से 80 मीटर तक फ्लाई कर सकता है और हमने भी इसे काफी ऊंचाई तक फ्लाई भी किया। और इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 13 से 14 मिनट तक एक बैटरी इसकी जाती है, यानी कि तीनों बैटरी को मिला के आधे घंटे से ऊपर का टाइम आपको मिलता है। पर इसके कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने खुद देखी इसके कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। 4K तक रिकॉर्ड तो करता है लेकिन इसका कैमरा जो है वो 7 मेगापिक्सल का होने के कारण इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, पर प्राइस के हिसाब से ये ठीक ठाक है। और इसकी वीडियो क्वालिटी आपके वाईफाई के सिग्नल पर भी डिपेंड होती है। तो ओवरऑल ये ड्रोन मुझे कुछ बातों में अच्छा लगा तो कुछ बातों में नहीं। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मैंने ये अमेजोन से परचेस किया है तो ये मुझे लगभग 6,999 रुपए का मिला। तो अगर आपको भी बाय करना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। और साथ ही कुछ अच्छे ड्रोन की भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।